दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सैम के बारे में कि अगर आपके पास मान के चलिए सैमसंग A10 है या सैमसंग का कोई भी अलग मॉडल है, अगर आपके पास उसमें कंट्री कोड है, कंट्री लॉक है, तो उस मोबाइल का कंट्री लॉक किस तरह से आप अनलॉक कर सकते हैं बिना किसी बाउस के, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है सैम की टूल, ठीक है। ये टूल बिल्कुल फ्री है और इस टूल में आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना होगा और आप यहाँ पर ऊपर में देख रहे हैं ये लॉगिन आईडी पासवर्ड, ये आपको हमसे मिलेगा और हमारी वेबसाइट पर आप इस लॉगिन आईडी पासवर्ड को खरीद सकते हैं, ठीक है। इस टूल में आप लॉगिन कर सकते हैं, लास्ट आप 10 क्रेडिट आप खरीद सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा क्रेडिट है इसमें शो कर रहा है, ठीक है। तो अब मोबाइल को आपको अनलॉक करना है तो जिस मोबाइल में कंट्री कोड लगा हुआ है उस मोबाइल का सिम कार्ड निकाल देना है और मोबाइल को ऑन करना है और डायल बटन में टाइप करना है *#0808#। सबसे नीचे वाले ऑप्शन को ADB ऑप्शन को सिलेक्ट करके रिबूट कर देना है मोबाइल को। जब मोबाइल रिबूट होगा वापस ऑन होगा, ठीक है, उसके बाद उस मोबाइल को आप यहाँ पे रीड कोड पे क्लिक करोगे और जैसे आप रीड कोड पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपके मोबाइल में जो है प्रोसेस चलेगा और आपके मोबाइल के स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा अलाउ USB डिबगिंग, ठीक है। उसे चेक लगा के आप ओके करोगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। और मान के चलिए अगर आप पहली बार फर्स्ट बार कर रहे हैं तो आपका ये फेल हो जाएगा ये मेथड, ठीक है। तो उसके बाद जब मोबाइल के स्क्रीन पर लिखा हुआ अलाउ यूज वीडियो, उसे चेक लगा के ओके कर दोगे, दोबारा फिर से ट्राई करोगे तो उसके बाद जो है ये फेल नहीं होगा, कंप्लीट प्रोसेस चलता रहेगा। और जब तक टूल में प्रोसेस चलेगा आपका तब तक मोबाइल को डिस्कनेक्ट नहीं करना है। अगर आप डिस्कनेक्ट करोगे तो आपका क्रेडिट कट जाएगा और आपका मोबाइल अनलॉक नहीं होगा, इसलिए जब तक प्रोसेस चलता रहे टूल में तब तक आपको मोबाइल को बीच में डिस्कनेक्ट नहीं करना है। और तब तक आपको डिस्कनेक्ट नहीं करना जब तक ये कंप्लीट ना लिख दे और जब तक आपके ये सैम की टूल में नीचे में आपको यहाँ पे पुक कोड और पिन कोड ऑनलाइन यहाँ पे शो ना करे, जब तक यहाँ पे आपके टूल में तब तक आपको डिस्कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। जब अगर आपका यहाँ कोड शो करेगा, ठीक है, तो उसके बाद ही आप मोबाइल में सिम कार्ड लगाएंगे और मोबाइल में सिम कार्ड लगाने के बाद जब मोबाइल में पुक कोड या पिन कोड मांगा जाएगा, सबसे पहले पुक कोड मांगेगा, पुक कोड आप यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पर पुक कोड आ चुका है, पुक कोड आपको डालना है। अगर उसके बाद पिन कोड मांगता है फिर पिन कोड डालना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी सैमसंग मोबाइल को कंट्री कोड को अनलॉक कर सकते हो बिना किसी बॉक्स के टूल के माध्यम से, और टूल का लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको हमसे मिल जाएगा, आप हमारे व्हाट्सएप पे बुक करा सकते हैं, हमसे ले सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे भी आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।